जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीजी चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कॉलेज परीक्षाओं के रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको डेली कॉलेज परीक्षाओं के रिजल्ट के बारे में अपडेट देता हूं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में जितने भी सभी रिजल्ट अनाउंस किए गए हैं, उन सभी रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। किस यूनिवर्सिटी के द्वारा कौन सा रिजल्ट अनाउंस किया गया है और कौन से कोर्स का अनाउंस किया गया है, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं देवी अल्लाह यूनिवर्सिटी यानी कि DABB यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, देवी अल्लाह यूनिवर्सिटी के 10 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में केवल 2 दिन ही यहां पर रिजल्ट अनाउंस किए गए हैं, एक 12 अक्टूबर को और एक 13 अक्टूबर को। तो यहां पर आप देख लीजिए, आपका 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर को यहां पर रिजल्ट अनाउंस किए गए हैं, ये सभी रिजल्ट आ चुके हैं। ठीक है, हमारी जो अगली यूनिवर्सिटी है वो है हमारी MCB यूनिवर्सिटी, महाराज छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, जिसके द्वारा 10 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में केवल 1 दिन अनाउंस किया गया रिजल्ट, वो भी 11 अक्टूबर को। और कौन कौन से यहाँ पर रिजल्ट आए, यहाँ पर 5 रिजल्ट अनाउंस किए गए हैं। BA फर्स्ट ईयर रेगुलर, BA सेकेंड ईयर रेगुलर, BSc फर्स्ट ईयर रेगुलर, BCOM थर्ड ईयर रेगुलर, सॉरी यहाँ पर प्राइवेट, ये सभी रिजल्ट अनाउंस किए गए हैं। साथ ही MA सोशियोलॉजी सेकेंड सेमेस्टर, और ये जो रिजल्ट आए ना, सेकंड चांस क्या है, आपको पता होगा ओपन बुक सिस्टम से हमारे एग्जाम्स हुए थे, तो जिन्होंने ओपन बुक सिस्टम से परीक्षाएं नहीं दे पाई थी, फिर उनको सेकंड चांस का दिया गया था, एक और मौका दिया गया था परीक्षा देने का, तो वो रिजल्ट आ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे जीवाजी यूनिवर्सिटी की। तो जीवाजी यूनिवर्सिटी के द्वारा 11 अक्टूबर को यहाँ पर 8 रिजल्ट आए हैं, BCOM थर्ड ईयर, MSc MA MSc सभी रिजल्ट आ चुके हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो BCOM थर्ड ईयर होम साइंस का भी यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है मार्च 2021 में, जिसके एग्जाम्स करवाए गए थे। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं 12 अक्टूबर को। तो 12 अक्टूबर को यहाँ पर एक रिजल्ट अनाउंस किया गया है BCOM सेकंड ईयर का। तो 12 अक्टूबर को यहाँ पर BCOM सेकंड ईयर का रिजल्ट आ चुका है रेगुलर स्टूडेंट का। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर 13 अक्टूबर को जीवाजी यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पर 5 रिजल्ट आए हैं, यहाँ पर MSc मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर, MSc बायोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर, ATKT, और सबसे मेन रिजल्ट MCOM फोर्थ सेमेस्टर का यहाँ पर आ चुका है, जो कि जून 2021 में एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए थे। इसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर की। तो यहाँ पर दोस्तों 10 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में केवल 1 दिन ही 2 दिन यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस किए गए हैं, एक 11 अक्टूबर को रिजल्ट अनाउंस किया गया, 10 अक्टूबर को यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस किया गया। तो यहाँ पर BCOM होम साइंस फर्स्ट ईयर का आ चुका है, BCOM होम साइंस सेकंड ईयर का आ चुका है, BSc सेकंड ईयर का भी यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये सभी रिजल्ट हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो अगली यूनिवर्सिटी है वो छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी, अब हम छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आ चुका है BA फर्स्ट ईयर प्राइवेट, BA फर्स्ट ईयर रेगुलर, BA सेकंड ईयर प्राइवेट, BA सेकंड ईयर रेगुलर। तो BA फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के दोनों रिजल्ट आ चुके हैं यहाँ पर, और BBA फर्स्ट ईयर BBA सेकंड ईयर का आ चुका है, BCA फर्स्ट ईयर BCA सेकंड ईयर का भी यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। इसके बाद BCOM फर्स्ट ईयर प्राइवेट, BCOM फर्स्ट ईयर रेगुलर, BCOM फर्स्ट ईयर रेगुलर, और BCOM सेकंड ईयर प्राइवेट, BCOM सेकंड ईयर रेगुलर। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर BCOM के भी सभी रिजल्ट आ चुके हैं, BEd फोर्थ सेमेस्टर, BHSC फर्स्ट ईयर, BHSC सेकंड ईयर, तो ये सभी रिजल्ट आ चुके हैं। तो BCOM BSc वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनके सभी रिजल्ट आ चुके हैं, BSc फर्स्ट ईयर का आ गया, BSc सेकंड ईयर का भी आ चुका है, BLLB LLB सेकंड सेमेस्टर, LLB फोर्थ सेमेस्टर, ये सभी रिजल्ट आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो उम्मीद कर पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई, क्योंकि मैंने जाना था सभी यूनिवर्सिटी के रिजल्ट के बारे में आपको अपडेट दे दिए। अगर आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही किस यूनिवर्सिटी का रिजल्ट नहीं आया। चलिए, वीडियो को यहीं पर करते समाप्त, नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक ले, बाय।